लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के गैरी फंटा मार्ग में हाथियों ने युवकों को दौड़ाया। हाथियों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे युवक, कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर किया फायर। ऋषिकेश चली मार्ग चीला मार्ग के पास घासी राम नदी उफान पर है। पानी के तेज धार ने फंसी थार कार और पुलिस ने गाड़ी को बाहर निकालकर लोगों की बचाई जान। विकासनगर में महिला से रेप की कोशिश, महिला के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पीटा। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। दो महीने पहले हुई थी महिला की शादी, ससुराल पक्ष पर आरोप, मुकदमा दर्ज करने की मांग। अमरोहा में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल, सिपाही के हाथ में लगी गोली, दोनों अस्पताल में भर्ती। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। दबंगों ने लाठी डंडों से एक पक्ष पर किया हमला, 70 साल के बुजुर्ग गंभीर रूप से हुआ घायल, लखनऊ रेफर। बरेली में सीआईटी और इंजीनियर के बीच हुई बहस का वीडियो सामने आया है। सीआईटी ने दिव्यांग इंजीनियर को गरीब रथ ट्रेन से उतारा और इंजीनियर को वेटिंग की वजह से नहीं मिली थी। बदायूं में पानी भरने को लेकर चले लाठी डंडे, सरकारी नल से पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट में 3 लोग घायल। बलरामपुर पुलिस ने एसपी के निर्देश पर चलाया अभियान, अवैध खनन में शामिल 10 बैलगाड़ियों को किया बरामद, एक शख्स गिरफ्तार, 9 लोग फरार। कानपुर देहात में फैक्ट्री में खड़े टैंकर में लगी आग और धमाके के बाद आग ने लग लिया विकराल रूप, विस्फोट में 7 लोग घायल हुए हैं, फायरकर्मी और मजदूर। एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबने से हुई मौत, मिट्टी खनन के लिए बना गड्ढा मौत की वजह, ग्रामीणों ने तीनों को शव को गड्ढे से निकाला। ललितपुर में ट्रैक्टर पलटने से 3 किसानों की मौत हो गई, हादसे में 2 किसान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, खेत पर बुवाई करने जा रहे थे किसान। सोनभद्र में अनियंत्रित रोडवेज बस ने ऑटो को मारी टक्कर, एक महिला की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए, सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। जालौर में 2 सगी बहनें बेतवा नदी में डूबी और एक को परिजनों ने बचाया, परिजनों के साथ पिकनिक बनाने जा रही थी दोनों। बस्ती में दबंगों ने 15 दिन पहले बनी दीवार को गिराया, गांव में मचाया उत्पात, पुलिस ने पीड़ित सहित दबंगों का काट दिया चालान। हरदोई में जिला के ई रिक्शा चालक हुआ फर्जीवाड़े का शिकार, 2 महीने का टर्न ओवर 5,57,00,000 रुपए सुनकर उड़े चालक के होश और लोन लेने बैंक जाने पर चला फर्जीवाड़े का पता। बागपत में पति और बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर महिला से रेप की वारदात हुई है, बदमाशों ने मारपीट और लूटपाट को भी दिया अंजाम। नोएडा में ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों को जॉब पर रखकर लूटने का खुलासा हुआ है, मास्टरमाइंड युवती और उसका बॉयफ्रेंड फरार हो गया, गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में चोरों ने शोरूम में उड़ाए 10 लाख कैश, हुंडई कार के शोरूम में हुई चोरी, चोर शोरूम में लगे सीसीटीवी में हुए कैद। आजमगढ़ में रंगदारी ना देने पर बदमाशों ने शख्स को जान से मारने की धमकी दी है, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगरा में बारिश से सड़कें बनी तालाब, बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरिद्वार में कांगला घाट पर डूबे 18 साल के कांवड़िया को बचाया गया है, गंगा पर करते वक्त डूबने लगा था कांवड़िया। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना बदायूं का दिव्यांग प्रखर, बिना ट्यूशन बिना कोचिंग के पास की नीट की परीक्षा, ओवीसी कलेक्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर भी कर चुका है प्रखर को सम्मान। कांवड़ मेले को लेकर लक्सर में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से कांवड़ियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार मनाने की अपील की है।
कांवड़ मेले के दौरान दिख रहे आस्था के अलग अलग रंग मां को कांवड़ पर बिठाकर हर की पैड़ी से पैदल शामली ले जा रहा है। मेरठ में पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार की गाड़ी में टैंकर कंटेनर में मारी टक्कर और हादसे में बाल बाल बचे प्रवीण कुमार और उनका बेटा। अपने आवास से पांडव नगर जा रहे थे प्रवीण कुमार। बरेली में सड़क किनारे खड़ी पिकअप में घुसा कंटेनर और प्राइवेट बस। बस के एक पर कच्चे उड़े, 12 सवारी घायल, चार की हालत गंभीर। हापुड़ में अज्ञात कारणों से ढाबे में लगी आग। ढाबे में रखा सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। उन्नाव में केमिकल फैक्ट्री में भड़की आग और फैक्ट्री में मौजूद कर्मियों ने भागकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है आग लगने की वजह। अखिलेश यादव ने भाजपा पर फिर तीखा हमला बोला है। कहा भाजपा सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी है, 2024 में भाजपा का सफाया होगा। मऊ में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की हुई प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक। मीटिंग में मांग की गई कि बिहार और गुजरात के तर्ज पर यूपी में भी शराब बंद होनी चाहिए। बागपत में किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि देश में फसलों के लिए एक मोदी एमएसपी गारंटी कानून भी बना देना चाहिए। 15 अगस्त का ट्रैक्टर क्रांति की दी चेतावनी। हापुड़ में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से फैक्ट्री में खड़ी 3 गाड़ियां भी जलकर हुई खाक। गाड़ियों में भरा सामान भी जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। झांसी में आग का तांडव देखने को मिला है। सीपरी बाजार में एक दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आग में कुछ लोग झुलस गए। इस भीषण अग्निकांड में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर रजनी राजपूत समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। मानसून में हुई पहली तेज बारिश के बाद मोहल्ले की सड़कें बनी तालाब। घरों में घुसा गंदा पानी। बुलंदशहर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को मिली गर्मी से राहत। जल जमाव में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही। अमेठी में कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान और दुकान को प्रशासन ने गिरा दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल और तहसील कर्मी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे सहारनपुर। 2024 में भाजपा की भारी जीत का किया दावा। कहा पीएम मोदी के 9 साल के कामकाज के कारण जनता फिर लगाएगी जीत की। फैजाबाद में दुकान में चोरी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 446 ग्राम सोना भी किया बरामद। बड़ा बाजार सुनार गली में हुई थी वारदात। शामली में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर जांच जुटी है पुलिस। फतेहपुर में लव जिहाद में युवती की हत्या मामले में सहरा आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर और मुख्य आरोपी पहले से ही गिरफ्तार था। 22 जून को हुई थी वारदात। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी महिला से शादी का झांसा देकर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने महिला का मैरिज सर्टिफिकेट दस्तावेज और समेत पाकिस्तानी मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया। महाराजगंज के भारत नेपाल बॉर्डर से सटे बरगद गांव में घर में बड़े पैमाने में हिरण के सिंह बरामद हुए हैं। वन विभाग और एसएसपी की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। उन्नाव में यातायात पुलिस की लापरवाही आई सामने। शहर के कचहरी पुल पर नो एंट्री में घुसे ट्रक की ई रिक्शा से हुई भिड़ंत। ई रिक्शा सवारियों ने कूद कर बचाई जान। मोटो ब्लॉगर के वायरल वीडियो पर तीर्थ पुरोहितों का बयान। कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति को ठहराया दोषी। धाम में समिति का कोई मैनेजमेंट नहीं है।
विकास नगर में बारिश से लोगों के घरों में घुसा गंदा पानी, लोगों ने भागकर बचाई जान। घर घर पानी भरने से सामान हुआ बर्बाद, प्रशासन की टीम जायजा लेने पहुंची। उन्नाव में खालसा डिग्री कॉलेज में छात्र बीटीसी की परीक्षा देने पहुंचे तो पता चला कि उनका बीटीसी में पंजीकरण ही नहीं हुआ है और इसलिए उनका प्रवेश पत्र भी नहीं बन पाया। जानकारी होते ही छात्रों में हड़कंप मच गया। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने यूकॉस्ट के महानिदेशक के साथ की अहम बैठक और साइंस सेंटर में बिजली कनेक्शन, पानी की सप्लाई तथा सुरक्षा से संबंधित गार्ड को तैनाती जैसे विषय पर चर्चा की। यूपी की जालौन में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों के घरों में घुसा गंदे नाले का पानी, घरों में पानी भरने से लोग हुए परेशान। वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंगा पानी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। अंग्रेजों के जमाने से 138 कानून जो चल रहे थे उसे हटाने की तैयारी चल रही है। योगी सरकार इसकी तैयारी कर रही है। राज्य विधि आयोग से मांगे गए सुझाव, 40 से ज्यादा विभागों में लागू है आजादी के पहले के कानून। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल बन सकते हैं यूपी बीजेपी के प्रभारी, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में हुई भूपेंद्र चौधरी और नितिन पटेल की मुलाकात। एनसीपी पर दावेदारी को लेकर अजीत पवार का बड़ा दावा, कहा उनके साथ पार्टी के 42 विधायक। सभी 42 विधायकों ने एफिडेविट पर भी किया है साइन और शरद पवार की तरफ से बनवाया जा रहा है वफादारी और निष्ठ का शपथ पत्र। अजित पवार के विधायकों के साथ शरद पवार वाला एफिडेविट तैयार है। महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई के बीच चाचा भतीजे के बीच पोस्टर वॉर तेज हो चुका है। शरद पवार के खेमे में पोस्टर ने लिखा, अकेले लड़ाई लड़ने का चला है 82 साल का योद्धा। अजीत पवार के गुट ने भी मुंबई में लगवाए पोस्टर। शरद पवार के पोस्टर फिर अजीत पवार का पोस्टर लगा है और अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने अभी एक सरकार बनाई है जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर बनाई गई है, शरद पवार को बताया गुट। एनसीपी विधायक रोहित पवार का आरोप, बाल साहेब और शरद पवार की खड़ी की गई पार्टी को बीजेपी ने तोड़ने का किया है काम। वही शरद पवार का आरोप लगा है, जिन्होंने मेरी विचारधारा के साथ धोखा किया है वे मेरी तस्वीर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। राजस्थान को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, 6 जुलाई को होगी वर्चुअली होने वाली। इस बैठक में पायलट को लेकर फैसला किया जा सकता है। खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा के बदलाव की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी को लेकर कमेटी की बैठक भोपाल में हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। जी किशन रेड्डी बने बीजेपी के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष। सुनील झाकड़ को पंजाब और बाबूलाल मरांडी को झारखंड का जिम्मा दिया गया है। 6 राज्यों में भी जल्द नियुक्ति की जाएगी। पंजाब में बीजेपी के नए बने अध्यक्ष सुनील झाकड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ही सिर्फ तंज कसने लायक है और पंजाब में बीजेपी निभाएगी विपक्ष की भूमिका। बिहार में आरजेडी के इकाई के अध्यक्ष जगनंदन सिंह ने तेजस्वी के इस्तीफे से किया इनकार और कहा एजेंसियों के जरिए चाहे जितनी परेशानी करें, जितना परेशान करें, जनता के दिलों में है तेजस्वी। मध्य प्रदेश के दलित युवक पर टॉयलेट करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी के खिलाफ SC ST एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लिया। आरजेडी के स्थापना दिवस पर बिहार इकाई के अध्यक्ष जगनंदन का बयान, कहा जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी वाली बनी रहेगी तब तक आजादी खतरे में है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।